तो हम आपका स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, जो कि 2018 का मॉडल है, ऑटोमेटिक है। हमारे बीच में आई है सीएनजी फिटमेंट के लिए, हमने उसमें सीएनजी फिटमेंट जो भी की है, जहाँ पे भी जो कंपोनेंट निकले हैं, हमने जहाँ जहाँ लगाए हैं हम आपको दिखाते हैं, और साथ में हम दिखाएंगे बूट स्पेस कितना बचता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, हम आप मेन इंजन में आ चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इंजेक्टर रेल हमने यहाँ पे लगाया है, रिड्यूसर यहाँ है, फिलिंग वाल्व उसके साथ ही लगाया हमने, ईसीएम यहाँ पे लगाया हमने। देखिए मैं एक बार आपको बूट स्पेस और साथ ही साथ वो दिखा देता हूँ कि ड्राइवर इंटरफेस कैसा होता है। बटन का पूरा ध्यान रखा है हमने यहाँ पे लगाने से पहले कि कस्टमर को विजिबल हो और कोई गाड़ी में डेंट या स्क्रैच ना आए, जिससे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ऑटोमेटिक गाड़ी आप देख सकते हैं, काफी अच्छा व्यू आ रहा है, अच्छे से देख सकते हैं आप। चलिए मैं आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ। 12 किलो का सिलेंडर लगाया हमने इसमें, हम आपको दिखा देते हैं। 12 किलो का सिलेंडर लगाया हमने यहाँ पे, हमने पूरा ध्यान रखा है कि कभी लीकेज होती है तो इस पाइप के थ्रू गैस जो है बाहर निकल जाए। 7 से 8 किलो गैस आती है इसमें, जो कि माइलेज आपको इन सिटी में 150 प्लस देती है, और इन हाईवे में अगर जाते हैं तो आपको 200 प्लस दे देती है माइलेज। स्टेपनी खड़ी आती है इसमें, क्योंकि बूट स्पेस बहुत कम बचता है। ये थी छोटी सी जानकारी। चलिए हम आपको एक बार ही टेस्ट ड्राइव भी दिखाते हैं इसका, और साथ ही साथ एक बार पिकअप भी दिखाएंगे कि कितना किस बेस पे कितना अच्छा देती है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। भैया स्कैनर के जरिए देख रहे हैं कि ट्रिम्स में जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, ताकि सीएनजी को उसी हिसाब से सेट कर सके। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए, आरपीएम भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। एक टेस्ट ड्राइव हम आपको दिखाएंगे। चलिए भाई कोई वो ना पता नहीं लग रहा है, पेट्रोल में सीएनजी में बिल्कुल मतलब कि लगवाई कितना लग 95% जो क्लेम करती है वो करेगी ना। फिर ये भी सीएनजी बैच दिल्ली एनसीआर। थैंक यू सो मच आपका फीडबैक। मैं तो बचपन ले गया गाड़ियों में लगवा दिया, 9-10 गाड़ियां लग रही हैं। ऑटोमेटिक में कल ही बार लगवाई थी। ऑटोमेटिक में अक्सर लोग कहते हैं कि डर लगता है कि पास होगा कि नहीं होगा, कामयाब होगी नहीं। हाँ बिल्कुल, अच्छा होगा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं मतलब सोच में था कि भाई लगवाऊ ना लगवाऊ, फिर अंकल से बात करी। मैं अंकल ऑटोमेटिक है, बोले बेटा 1% दिक्कत नहीं, आप लगवा के देखो। भाई टेस्ट ड्राइव में चेक कर रहा हूँ ना चला के, पता लग रहा है। ये आपका कस्टमर फीडबैक बहुत अच्छा लगेगा। पिकअप देख लो भाई, इन ए सेकंड आपको उठा सकते हैं जैसे पेट्रोल में। बिल्कुल पेट्रोल में भी इनिशियल में भी मतलब बाद में भी देखने का टाइम मिल जाएगा। कोई डिफरेंस नहीं, बढ़िया भाई। जैसे कि हमने आपको पूरी वीडियो में दिखाया कि कहाँ पे कौन से कंपोनेंट लगे हैं, बूट स्पेस कितना बचता है, और ड्राइवर इंटरफेस में आप इसको बटन को सीएनजी बटन को इजीली विजिबल है कि देख सकते हैं सीएनजी कितनी बची है। एक क्वेश्चन आता है हमेशा, मैंने भी कई बार एनालाइज किया है कि ऑटोमेटिक में क्या सीएनजी कंफर्टेबल बैठती है, या फिर पिकअप कैसा रहता है उसका,
लगवाने में क्या सही रहेगा या नहीं रहता। हमने इसमें फीडबैक भी दिया है कस्टमर का, हमने इसमें कस्टमर का फीडबैक भी दिया कि उन्होंने टेस्ट ड्राइव में जैसे उन्होंने फीडबैक दिया है, उनको जैसा फील हुआ हमने उसे भी रिकॉर्ड डाला है। आप देख सकते हैं ऐसी ही छोटी छोटी जानकारी के लिए एवीओ मोबाइल को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।